बस पूरे दिन पड़ोसन की तारीफों पे तारीफें करते रहो। आज उसने मुझे सबके सामने बदसूरत कहा है, मैं बता रही हूँ, उसको समझा दो। अभी रुको, पड़ोसन, हेलो, तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैंने जरा सी घास क्या डाल दी, अपने आप को हेमा मालिनी समझने लगी? एक बार अगर दम है तो मेरी कॉल उठाओ। फोन नहीं उठा रही है, लगता बिजी है कहीं। नो, उसका कॉल आ रहा है। अब मेरा मूड नहीं है। कि अगर मैं कुछ मांगू तो मुझे ला के दोगी? ठीक है, कोशिश करूंगा, बताओ क्या चाहिए। 15 आईफोन चाहिए। हे प्रभु, इधर एक लेने की औकात नहीं है और तुम्हें 15 आईफोन चाहिए। सॉरी सॉरी, 15 आईफोन नहीं, आईफोन 15 चाहिए। हाँ तो एक ही बात हो गई, चाहे 15 आगे लगाओ या पीछे। आज के बाद घर ना आना। समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हें भी मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी आई। अरे छोड़ो यार, खत्म करो फालतू की बातें। अरे यार, तुम क्यों लड़ती रहती हो पड़ोसन से? इतनी तो प्यारी है बेचारी, तुम फालतू में लड़ाई मोल ले लेती हो। उसके तो मैं 64 के 64 दांत तोड़ूंगी। 64 नहीं, 32 दांत होते हैं। मुझे पता था तुम उसकी तरफदारी करोगे, इसलिए तुम्हारे भी साथ में गिन लिए थे। अबे यार राजिका, मेरी वाइफ तो मुझे नौकर समझने लगी, मेरे समझ में नहीं आ रही अब क्या करूं। समझना क्या है, 2-4 घर और पकड़ और धंधा जमा ले अपना। चल कितने रुपए देगी बता? 400 में कौन कर रही है, 500 रुपए की दिहाड़ी मार का हुआ। ये सूरज ज्यादा इम्पोर्टेंट है या चांद? मुझे लगता है कि चांद ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चांद रात को रोशनी देती है। सूरज क्या करता है फिर? सूरज भी रोशनी देता है दिन में, पर दिन में रोशनी की क्या जरूरत है? तुम्हें पता भी है, एक कलेक्टर पूरे जिले को संभालता है। उस हिसाब से हर पति को मुख्यमंत्री कहना चाहिए, क्योंकि एक पत्नी एक राज्य के बराबर तो है ही।